कनेडा वासियों सारे पंजाब वासियों मैं थोड़े रूबरू हो रहा है लाइव हो रहा है। एक इंसान मेरे घर आया है, मेरे दो आदमी उन्होंने मेरे को लेके आए है और इंसान आपकी आप बीती सुना चाहता है। असी कह रहे सी कि बठिंडे दे विच गुंडा राज है, सदा पक्ष दी शह ते नशे वेग रहे है और सदा पक्ष नशे बकवा रहा है। उहदी उदाहरण अज मेरे घर आके आप बीती सुनाउन जा रहे है, इन्हां दी तुसीं आप बीती सुननी है सच या झूठ, इहदा नितारा कानून करदा है या कानून दे रखवाले करदे है, वो उहनां दी ड्यूटी है कि किन्ना सच है ते किन्ना झूठ है, कौन कौन इहदे विच इनवॉल्व है। पर जिहड़ा शख्स मैं तुहाडे सामने पेश करन जा रहा है वो कह रहा है कि जो कानून सज़ा देगा मैं सज़ा भुगतन नूं तैयार है, बशर्ते कि मेरा परिवार बचे। मेरे परिवार ते भी अज गल आई हुई है ते मैं हुण तुहाडे रूबरू करवा रहा है उस शख्स नूं जिहदा मैं नाम भी नहीं जानता, पर मैनूं इह पता है जिन्हों मेरा नाम नहीं पता पर रेंबो के नाँ से मशहूर है, जिहड़ा बठिंडे दे विच नहीं नेड़े तेड़े दे इलाकों दे विच जिहड़ा रेंबो का नाम सुनिया जा सकता है नशा करन वालियां तो, मैं उन्हें सामने पेश करन जा रहा। मेरा नाम रमेश है जी, मैनू रेंबो कहिंदे जी, मैं 25 गज बेअंत सिंह नगर च रहना। मैं जी पहला किलो अद्धा किलो गायां बेचदा हुंदा सीगा अपने खोखे ते जी, ते अपना सिविल एंड पीटी साहब PTSHO उन्होंने मैनू दफ्तर बुलाया, उन्होंने दफ्तर बुला के मैनू उन्होंने पूछा भी तू किन्ना कमाना हैगा गांजा चे, ते मैं उन्होंने कहा जी मैं 1000-2000 रुपये एक दिन से कमा लेना हैगा, ते उन्होंने कहा एक 1000-2000 की कहिंदा लख रुपये कमा, कहिंदा मैं बैठा इत्थे, कहिंदा तैनू कोई उंगल आ गया तां मैनू कह दी, कहिंदी खुल के काम कर खुल के गाया बेच, ठीक है गाया तैनू मैं दूंगा, ठीक है बेच तू जिन्ना मर्जी बेच, कोई मर्जी आवे मेरे नाल कंटैक्ट कराई मैं छुड़ाऊंगा तैनू मैं बचाऊंगा सारे। तो उन्होंने की किया एक हफ्ते बाद मैनू फिर बुलाया दोबारा, उन्होंने कहा भी तू पूंजी हैगा तेरे को, मैं कहा जी नहीं हैगा, कहिंदा तू 5 लाख रुपये पूंजी बना ला। मैं की किया जी फाइनेंस वाला हरजीत फाइनेंस वाला उन्होंने तो 3 लाख रुपये लिता जी, 2 लाख रुपये मेरे को है जी 3 लाख तो 2 लाख 5 लाख मिला 5 लाख हो गए जी, 5 लाख रुपये मैं उन्होंने पूछा भी हो गया तेरे को पूंजी, मैं क्या जी हाँ जी मेरे को 5 लाख रुपये हो गया जी, ठीक है जी। उन्हें की किया शाम को मिल मेरे को, शाम को मिल तो गड्डी नाल लेके आई, मैं क्या ठीक है जी। PT साहब ने कहा SHO ने कहिंदा गड्डी नाल लिया जी, ठीक है तो कोई नाल नहीं होना चाहिए तेरे, ठीक है फोन बंद करके आई जो आएगा, ठीक है मैनू जगह दसता उन्होंने, ठीक है उत्थे आना तो उस तो बाद मैं उस जगह पर पहुँचा। कि जगह सी? वो जगह सीगा जी अपना ये थाना हैगा जिथे जी सिविल लाइन थाना हैगा, उस तो गां जाके एक मोड़ मुड़ती है जी आए ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲ ਚਲ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ 9:30 ਵਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਮਾਨ ਪਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਤਾ ਸਮਾਨ,
मैं क्या जी हजे तक कुछ बेचा नहीं है, मतलब कि डेढ़ दो लाख का समान बेचता मैं, ठीक है। कहता ऐ कर 2 लाख रुपये तू राजू सराय नू दे दे, इलेक्शन का टाइम सी उदो, ठीक है। ठीक है जी, मैं 2 लाख रुपये राजू सराय नू देता जी, ठीक है। उस तो बाद 3 दिन बाद फिर फोन करके मैनू कहता, कहता हाँ ऐ कर 1 लाख रुपये तू असेसर पासवान नू दे दे, ठीक है जी, मैं देता जी। उस तो बाद 5 दिन बाद मैं सारा समान बेचता जी, जिन्ना सीगा मेरे को 1 क्विंटल 2 किलो समान सीगे जी, गांजा जी पीटी साहब ने फड़ाया सीगा सिविल लाइन SHO ने, मैनू कल्ले बुला के आपदी गड्डी च पा के, शिफ्ट गड्डी उन्हां कोल भी सीगा, शिफ्ट गड्डी मेरे कोल भी सीगा, पैकिंग सीगे 5-5 किलो का, 10-10 किलो का पैकिंग सीगा, ठीक है जी। 5 पैकेट वो सीगे 5 किलो वाले सीगे जी, ते 5 पैकेट 10 किलो वाले सीगे जी, ठीक है जी। ते और 2-2 किलो का पैकिंग बने हुए सी नाल, और ते सारे मैं गड्डी आपदी गड्डी च रख लिया, ते लै गया जी, मैं बेचता सारा समान बेचता जी मैं, ठीक है। उस तो बाद उन्हें मैनू कहता भी मैनू ना 10 लाख रुपये चाहिए है, भी इलेक्शन आ गया मैनू लोड हैगा, तेन 1 हफ्ते बाद तेन 1 क्विंटल समान होर मिल जूगा। मैं क्या ठीक है जी, मैं क्या इन्होंने साथ दिता, मैं क्या उस अगे फिर दूगा मैनू, उन्होंने मैं जिन्ना समान बेचा सीगा 10 लाख रुपये पिया सीगा मेरे को, मैं 10 लाख रुपया उन्होंने देता, मैं आ लगे भी 1 क्विंटल समान होर देंगे 1 हफ्ते बाद, ये बस वो पूरा कर लेंगे आप, ठीक है जी। उन्होंने की किया बस वो पैसे लै गए 10 लाख रुपये, मैनू रेड पाण लग गया मेरे घर झूठ मूठ का, मतलब मैनू धमकिया देन लग गया, तू मतलब भज जा इतों नहीं तो तेन चिट्टे का परचे च रगड़ूंगा, तू तेरे सारे फैमिली से परचा पाऊँगा, मैं इस कैमरे के मूहरे ता आ रहा भी मेरी फैमिली बच जे, मैनू जेल हो जाए कोई चक्कर नहीं है, पर मेरी फैमिली नू कुछ नहीं होना चाहिए। की समान तेरे करो तू कहते फोन फान लग गया दसो ना, और जेडे आए सके रेड पाया उन्होंने घरे घरे कुछ भी नहीं मिलया उन्होंने गांजा, तो उन्होंने की किया घर का सोना चांदी 40,000 रुपये, ठीक है जी। तो मेरे प्रूफ सारे प्रूफ लै गए, मेरी घरवाली का सर्टिफिकेट 12वीं का प्लस 2 का सारे प्रूफ लै गए, वह तो बैंक की कापी तो ATM सारा कुछ लै गया, और की नाम का धमकी दे के गया भी रैम्बो नूं समझा दी जे अगर पिछला गल्ला एक भी निकल गया तो थोड़े सारे टब्बर दे चिट्टे का परचा पाऊंगा मैं। मोबाइल केड़े केड़े लगाया सी मोबाइल? मोबाइल एक वीवो हैगा जी, एक रेडमी का हैगा जी, ओदे च PT साहब का रिकॉर्डिंग हैगा, ठीक है। तो वह मोबाइल मैनु दबा दो तुसी, तो मैं सारा वह गल खोलना चाहना जेडे ओदे विच हैगा। तो SSB कोल पेश होएगा मोबाइल सीगा जी वीवो V70 Pro, वाइट कवर है उहदा जी, पिछे लग्या है जी। मैं SSP साहब सामने भी मिलना चाहना, उन्हां नूं भी कहना चाहना मैं ये गल, मैं जिहड़ी गल मेरे नाल होई है उन्होंने 1 रुपये नहीं मैनू खाण दिता जी, 20 लाख का उन्होंने सारा समान खा गए जी, मैनू कुछ नहीं बचा, ता करके मैं लाइव हो रहा और मैं आपके परिवार को बचा जाना ता करके लाइव हो रहा जी। मैं सुरूप सिंह का धन्यवाद करना चाहना भी मैं बचा लैन, मेरे परिवार को बचा लैन, ठीक है जी, ता करके इन्ना को आया मैं जी। साथियों जी ये सब गल सच है, जड़िया कई गल सच है, तो हुण देखिए कानून की करता है, जे गल्लां झूठ है तो देखिए कानून की करता है। दुध का दुध तो पानी का पानी होना चाहिए। बंदा आप दे आप नूं पेश कर रहा है कि जे मैं कीता मैं उहदा खमिया जा भुगतण नूं तैयार है, जिन्हें मेरे नाल कराया है उहदे ते कारवाई होवे, जिन्हें मैथों कराया उहदे ते कारवाई होवे, ये कह रहा है और आपके परिवार को बचाउण की दुहाई दे रहा कि मेरे परिवार से भी परचा देना है, आप दे आप नूं करन वास्ते मेरी साडे सामने बेनती है
मुख्यमंत्री नूं इस ऑनलाइन राही पंजाब दे हितां दी गल करन वाले मीडिया नूं पंजाब दे उन्हां सारे लोकां नूं जिहड़े पंजाब नूं बचाउणा चाहुंदे आ मेरी बेनती है जे ये कुछ है तो बहुत मदभागी गल है जे ये कुछ है इदू वर्ल्ड कुछ नहीं हो सकता जे ये कुछ है तो मैं कह सकदा कि सानू इस समाज दे विच पंजाब दे विच इह रहियां गल्लां नूं पंजाब नूं बदनाम करन वालियां इह गल्लां इह किहड़े पासे गल जा रही है मैनू शब्द भी मेरे मूँह चों नहीं निकल रहे। इहदा फैसला तुसीं करना है ये गल कित्थों तक पहुँचदी है किवें की इंसाफ मिलदा है की होया की गल है ये सारा कानून दे सामने है। कल इस आदमी नूं असीं SSP दे सामने पेश करना चाहवांगे या असीं अज ही थाना सिविल लाइन दे विच जाके इन्हां नूं पेश करना चाहवांगे ता कि कल नूं जाके ये गल दा पता लग सके सच दा सच ते झूठ दा झूठ अजग हो सके।